झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल से 18 अगस्त 2017 को झारखंड मोमेंटम खेलगांव में शुरुआत की गई थी, जिसमें सभी छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों ने झारखंड में फैक्ट्री लगाने को लेकर एमओयू किया था, जिसके तहत ओरिएंट क्राफ्ट और झारखंड सरकार के बीच मोमेंटम में एमओयू हुआ था। बता दें कि 2 साल से गारमेंट फैक्ट्री झारखंड में चल रहा है। फैक्ट्री में झारखंड के लगभग 2400 लोग काम कर रहे हैं और इसमें 80% महिलाएं काम कर रही हैं, जिनकी तनख्वाह 8 से 10 हज़ार रुपये है। ओरिएंट क्राफ्ट में ग्रामीण महिलाओं को 20 से 30 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद काम पर लगाया जाता है। इन महिलाओं के बनाए हुए कपड़े देश और विदेश के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये झारखंड का सबसे पहला गारमेंट यूनिट बना था 2 साल पहले। आज के दिन उसके 2 साल पूरे हो गए तो एक खुशी होती है मन में। लोग बर्थडे तो मनाते हैं ना, भले ज़िंदगी में कुछ मिले मिले, बर्थडे ज़रूर मनाते हैं। हमने तो यहाँ पे बहुत कुछ पाया है कि जब इस यूनिट को शुरू करा गया था तो मेरे को याद है सिर्फ 900 बच्चों को हमने अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी थी और उस टाइम पे ये यूनिट खोला गया था 2 साल पहले। तो इतना बच्चों की ज़िंदगी में उत्साह आया है, इतना वो अपने आप को आज क्षमता के साथ समझते हैं कि उनको देखते देखते आज 3100 बच्चे काम कर रहे हैं इस छोटी सी फैक्ट्री में। तो 2 पूरी शिफ्ट, 1 आधी शिफ्ट चलती है जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में कहीं नहीं चली। तो ये क्या चीज़ साबित करता है कि झारखंड के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करना चाहते हैं। और जो सबसे खुशी की बात है, जो लोग विश्वास नहीं करते, जब हमने यहाँ पे दूसरी शिफ्ट शुरू करी तो सुबह 6 बजे फैक्ट्री खुलती है, 6:45 बजे सभी लोग आ जाते हैं। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर, 135 साल पुराना मार्क्स एंड स्पेंसर, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा पुराना स्टोर है, उन लोगों ने जब हमने झारखंड का प्लान बनाया तो उन्होंने हमारा साथ दिया। क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात होती है कि कोई भी आदमी इतनी दूर आए, जिस फैक्ट्री में अभी काम शुरू नहीं हुआ, जिस आदमी को पता नहीं कि उनको मालूम नहीं है कि माल अच्छा बनेगा, ये सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी है, छोटी से छोटी कमी चलती नहीं है। इसके बाद एक हमारा दूसरा जो बड़ा यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सरकार ने हमें कुछ ज़मीन अलॉट करी थी मोमेंटम झारखंड के अंडर, वो होतवार में करीब तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि एंड सितंबर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसका उद्घाटन होगा। वो इस यूनिट से 6 से 7 गुना बड़ा है। ये सिर्फ 35 से 35 हज़ार फुट जगह है, वो करीब 4 लाख फुट जगह है। तो आप खुद ही जान लेंगे कि जब वो चालू होगा और आहिस्ता करते करते वहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोग अगले 6 महीने से या ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने में लोग काम करना लग जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। और इसको देखते देखते आपने जो मैंने 2 साल पहले भी कहा था, पिछले साल भी कहा था, आज दोबारा फिर बोलता हूँ कि आप देखना अगले 3-4 साल में जो सरकार की पॉलिसी है, इतनी अच्छी पॉलिसी है जिससे कि हम जो हमारा कार्यभार जो बांग्लादेश हमारे से खींच के ले जा रहा था, आज हम उनको मात दे रहे हैं। यहाँ इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत जगहों पे बहुत तरीके के मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं। खास तौर पे हमारा सेक्टर जो है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का, काफ़ी स्टेट्स में इसका काम रहता है। पर अगर आप देखेंगे तो अमूमन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन्हीं क्षेत्रों से लोग NCR या साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं और अपनी नौकरियों को प्राप्त करते हैं। पर जब जो मोमेंटम झारखंड का इवेंट हुआ और यहाँ पे सरकार ने नई पॉलिसी निकाली अपैरल और टेक्सटाइल के लिए, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, मील का पत्थर था। हमारी जैसी बड़ी कंपनियाँ और अनेकों छोटी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आई हैं, क्योंकि अगर सरकार एक तरीके की सब्सिडी देती है और आप वहीं जाएँ जहाँ से वर्कर पहले ही यहाँ से NCR जा रहा था, तो ये बात बहुत ही सही रहती है। तो जो पलायन की मेन समस्या थी पहले, एक तो वो रिवर्स पलायन हो रहा है, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर के अंदर एजुकेशन का इतना महत्व नहीं है और लेडीज़ वर्कर सबसे ज़्यादा रहती हैं, तकरीबन 80% लेडीज़ वर्कर रहती हैं। तो मोमेंटम झारखंड के बाद हमारी जैसी कंपनियां जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और उसी तरीके से स्टेट में जितने भी लोग हैं जिनको नौकरियां चाहिए उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहरहाल झारखंड सरकार की इस सराहनीय पहल से घर में बैठी महिलाओं को घर से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, ये अपने आप में सराहनीय है। अब वह दिन दूर नहीं जब झारखंड इंडस्ट्री हब के रूप में दुनिया के नक्शे पर होगा। सनमार्ग लाइव के लिए चंदन वर्मा की रिपोर्ट।